हेलो फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। 2007 में PYQ आया है। हॉलो सिलेंड्रिकल हैज अ चार्ज क्यू कोलम विद इन इट, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे अंदर क्या है, चार्ज है। इसके कारण क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है। इफ फाई इज द फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद द कर्व सर्फेस बी, यानी जो जो ये कर्व सर्फेस है ना, ये जो कर्व सर्फेस है ना, कुछ इस तरह, इस कर्व सर्फेस से फ्लक्स निकल रहा है ना, फ्लक्स ऑफ कर्व सरफेस बी, जिसे बी नाम दिया है, कितना निकल रहा है, फाई निकल रहा है। ठीक है, मान लेते द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए इन यूनिट ऑफ द वोल्ट मीटर विल। सो जो ए जो प्लेन सरफेस है ना, यहाँ से भी फ्लक्स निकल रहा होगा और सी जो है यहाँ से भी फ्लक्स निकल रहा होगा, हमें चाहिए यहाँ से कितना फ्लक्स निकल रहा है। ठीक है, सो कंप्लीट जो फ्लक्स निकल रहा है ना पूरे रीजन से, ठीक है ना, उसे कहते हैं फाई नेट, यानी नेट फ्लक्स। वो कितना होगा, जो ए से फ्लक्स निकलेगा प्लस बी से फ्लक्स निकलेगा प्लस सी से फ्लक्स निकलेगा, उतना ही होगा। अब देखा जाए तो ए से जितना फ्लक्स निकलेगा सिमिलरली उतना ही फ्लक्स सी से भी निकलेगा, क्योंकि वो क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है ना, होलो सिलेंडर है, तो इतना जिसका जितना एरिया है उतना ही एरिया इसका भी है। ठीक है, सो मैं ये लिख सकता हूँ टू टाइम्स फाई ए प्लस फाई बी। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि फाई ए इक्वल्स टू क्या है, फाई सी, इसलिए टू टाइम्स फाई ए। अब नेट फ्लक्स सरफेस चाहे कैसा भी हो, नेट फ्लक्स कितना होता है, चार्ज अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो देयर फोर क्यू बाय इप्सिलॉन नॉट माइनस फाई बी इज इक्वल्स टू टू टाइम्स फाई ए। अब मुझे चाहिए ए से कितना फ्लक्स निकलेगा, सो फाई ए इज इक्वल्स टू, अब ये टू क्या होगा, इस यहाँ पे डिनोमिनेटर में जाएगा, सो 1/2 क्यू बाय इप्सिलॉन नॉट माइनस फ्लक्स ऑफ सरफेस बी। सो ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा, देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। देखिए ऑप्शन डी जो है ना वो एक्यूरेट मैच कर रहा है। ठीक है, सो ये होगा इसका सही आंसर।